हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव पुराण के पिछले सारे अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें आप सभी एक प्लेलिस्ट में से आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कथा 49। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में हम शिव जी के उन 8 अवतारों के बारे में जानेंगे जिसमें ये पूरी सृष्टि समाहित है। जिस प्रकार सूत के धागे में मणि और रत्न पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार ये सारा संसार उन 8 अवतारों में ही स्थित है। इन स्वरूपों के चरित्र को सुनने की कथा में आज आपको बहुत आनंद मिलेगा, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। उनके नाम इस प्रकार है: शर्व, भूव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये 8 अवतार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यज्ञ भूमि, सूर्य तथा चंद्रमा में स्थित रहते हैं और पूरे संसार को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। भूव रूप होकर जल में रहते हैं और संपूर्ण प्राणियों के कष्टों को दूर करते हैं। रुद्र रूप होकर अग्नि में निवास करते हैं और आकाश द्वारा सभी लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। उग्र रूप होकर वायु में निवास करते हैं जिससे हम सभी लोग जीवित रहते हैं। भीम रूप धारण करके आकाश में रहते हैं और सारे संसार को अपने में समेटे रहते हैं। पशुपति रूप होकर क्षेत्र में रहते हैं जिससे हम सभी को सुख मिलता है और हम भी उसके ऊपर रहते हैं। इसी प्रकार ईशान का रूप लेकर सूर्य में रहते हैं जिससे सारी पृथ्वी और आकाश सब प्रकाशित हो रहे हैं, सबको रोशनी मिलती है। महादेव होकर उन्होंने चंद्रमा में अपना निवास बनाया है और सारे जीवों का वो पालन करते हैं। शिव जी के मुख्य यही 8 रूप है। इस प्रकार शिव जी सभी लोगों में है। शिव जी तो हमारे अंदर ही है। शिव जी का पूजा करने के लिए सारे ब्रह्मांड का पालन पोषण किया जाता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बालक को बहुत ही प्यार से पालते हैं, उसी प्रकार शिव जी भी अपने सारे मनुष्यों को अपना पुत्र और अपनी पुत्रियाँ समझकर बड़े प्यार से पालते हैं। ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति पर शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, जो कि सभी के ऊपर दया भाव रखता है, कभी किसी को मारता नहीं है और कभी किसी से शत्रुता नहीं करता है। इसलिए सभी जीवों को ये चाहिए कि अगर वो शिव जी के भक्त हैं तो हमेशा स्नेह से रहे। जो मनुष्य अपनी भलाई चाहता हो उसे उचित है कि वो शिव जी के इन 8 स्वरूपों की सेवा करे। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न करना आरंभ किया तो उन्होंने उसका पालन भी माता के समान किया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई, सब पहले के जैसा ही था, कोई विकास तो हुआ ही नहीं। तब उन्होंने बहुत चिंतित होकर ये सोचा कि अब मैं क्या करूँ, किसकी सहायता लूँ, कहाँ जाऊँ। उस समय उन्हें बहुत परेशान देखकर आकाशवाणी हुई: हे ब्रह्मा, तुम मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति करो, उस सृष्टि की हमेशा वृद्धि होगी। इस आकाशवाणी की बात सुनकर उनके मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं ऐसा काम करता हूँ जैसा मुझे बताया गया है, वैसी दुनिया बनाता हूँ। लेकिन उसमें भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने सोचा कि शायद शिव जी की मदद के बिना मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा और शिव जी की मदद के बिना मेरा कोई कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। उस तपस्या से खुश होकर शिव जी ने अर्धांगिनी रूप धारण कर लिया और उनके पास आए। ये देखकर उनकी बहुत स्तुति की, बहुत अभिलाषा की। उस समय शिव जी ने कहा: हे ब्रह्मा, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरा होगी। और इसके बाद उन्होंने अपने शरीर से शक्ति को अलग कर दिया और शिव और शक्ति दोनों अलग अलग हो गए। इस चरित्र को देखकर ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद उन्होंने उसे समझाया कि किस प्रकार पुरुष और स्त्री दोनों एक बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। स्त्री और पुरुषों के अलग अलग काम भी समझाए और ये बताया कि पुरुषों को ज़रूरी है कि वो हमेशा सबकी रक्षा करे और हमेशा ध्यान से रहे, और स्त्रियों को ज़रूरी है कि वो कभी किसी को अपने ऊपर हावी ना होने दे और हमेशा पुरुषों के समान ही रहे, उनसे नीचा अपने आप को नहीं समझे और दोनों मिलकर इस सृष्टि को चलाएं। इस चरित्र को देखकर ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने आकाशवाणी का वृतांत सुनाते हुए शक्ति से ये प्रार्थना की कि हे शक्ति, आप दक्ष के घर में अवतार ले लो और शिव जी भी अवतार लेकर आपसे विवाह कर लेंगे। इस बात को सुनकर शक्ति ने कहा: ठीक है, मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगी। उसके बाद उन्होंने अपनी बहुओं के बीच से शक्तियाँ उत्पन्न की और शिव जी की ओर देखने लगी, यानी कि अपनी दोनों आंखों के ऊपर आईब्रो में स्थित शक्तियों को निकाला। उस समय शिव जी ने हंसकर कहा: ब्रह्मा, हमारी प्रसन्नता के निमित्त तुमने बहुत तप किया है, इसलिए तुम्हारे सारे कार्य पूरे होंगे, तुम परेशान मत हो। ये सुनकर शक्ति ने ब्रह्मा जी की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण किया। उसके बाद वो शिव जी के शरीर में पहले की भांति सम्मिलित हो गई और शिव जी भी ब्रह्मा जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई।
इस प्रकार शिव जी से वरदान पाकर ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति की। इसी वजह से आज हमको इस प्रकार का हमारा पूरी जगत दिखाई देती है, पूरी दुनिया दिखाई देती है। यहाँ पर हमारी कथा 49 समाप्त होती है। अब हम शुरू कर रहे हैं कथा 50। श्री शिवपुर महापुराण की इस कथा में हम उनके व्यास अवतार के बारे में जानेंगे। शिव जी के अवतारों को कहने सुनने से बहुत आनंद मिलता है, तो आप भी ध्यान से सुनिए। जब भी संसार में अधर्म बढ़ जाता है, उस समय धर्म ग्रंथों के पुनर्विचार के लिए व्यास जी की आवश्यकता होती है। वराह कल्प में वैश्वत नामक मनु का राज्य था और वो ब्रह्मा जी का पोते का बेटा था। इस कल्प से प्रत्येक द्वापर युग में वेद व्यास का अवतार होता है। व्यास जी संसारी जीवों को बुद्धि देते हैं और सारे पुराणों का निर्माण करते हैं, जिससे उन्हें वेद का अर्थ भली भांति पता चल जाता है और सारे इंसान मूर्ख ना बने रहे, इसलिए उन्हें विद्या के बारे में भी सब समझ आ जाता है। जो शिव जी है वो व्यास जी की प्रार्थना पर अवतार लेते हैं और उनकी मत को प्रसिद्ध करते हैं। अब हम व्यास जी के बारे में जानेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है। पहले द्वापर के पहले मध्यंतर में ब्रह्मा जी ने व्यास के रूप में अवतार लिया और वेद को ऋकु, यजु, साम, अथर्ववेद इन चार विभागों में बांटा और पहले नाम ये रखे। उसके बाद आज हम जो वेदों के नाम जानते हैं वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहले इनका नाम था ऋकु, यजु, साम, अथर्ववर्ण। इन चार विभागों में बांटने के बाद सभी को इनकी शाखाओं में बढ़ाया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने इन पुराणों का दोबारा से निर्माण करवाया, क्योंकि कलयुग में सारे जीवों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी और वो इन महान वेदों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इन्हें और भी सिंपल भाषा में लिखवाने की कोशिश की गई। जैसा कि आज के युग में हमारे भारत में ही जन्मे संस्कृत भाषा को लोग नहीं समझ पाते हैं, जबकि वो भारत में ही रहते हैं और बाहर से आई दूसरी भाषाओं के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि सारा असली ज्ञान तो हमारे इन्हीं भाषाओं में है। ब्रह्मा जी ने वेद की रीतियों को पुराणों में इस प्रकार कहा कि जिससे सब लोग उसे ढंग से समझ सके और प्रसन्न हो। लेकिन हद तो जब हो गई जब हम उन सरल भाषाओं के वेदों को भी नहीं पढ़ सकते हैं आसानी से। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने इस शिव पुराण को शुरू में सुनना स्टार्ट किया था, लेकिन अब अंत तक कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो कि इसके आखिरी अध्याय तक पहुँचेंगे और वही शिव जी के असली भक्त माने जाएंगे, जिन्होंने पूरे मन से शिव पुराण को सुनने में अपनी रुचि दिखाई है। जिस प्रकार कोई वैद्य रोगी को कड़वी औषधि नहीं देकर मीठी औषधि देकर भी रोगों को दूर कर देता है, वही कार्य ब्रह्मा जी ने भी किया। क्योंकि लोग कठिन वेदों को नहीं समझ सकते थे, इसलिए उन्हें सिंपल और सुगम बनाने की कोशिश की गई। फिर भी ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश किए, लेकिन व्यास मत बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं हुए और किसी ने भी पुराणों को नहीं पढ़ा। तब बहुत ही चिंतित होकर शिव जी का स्मरण करते हुए उन्होंने उनसे ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, द्वापर युग खत्म होकर कलयुग आने ही वाला है, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इन पुराणों को पढ़े। ये लोग तो पुराणों को छूते भी नहीं है। अब मेरे मत में भी यही है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बस आप ही हो जो मेरी सहायता कर सकते हो। कृपया करके मेरी मदद करो, क्योंकि इन पुराणों को सब भूलते जा रहे हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि कलयुग जब शुरू होगा, एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया जाएगा। वो ब्राह्मण हिमालय पर्वत के एक भाग छालक गिरी में रहता होगा। उस समय शिव जी अपना नाम श्वेत रखेंगे। जिस समय वो उत्पन्न हुए, उस समय सभी लोग जय जयकार करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब लोगों ने प्रसन्न होकर शिव जी पुष्प की बहुत स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने संसार पर दया करने हेतु अगम योग को प्रकट किया। उस समय श्वेत, श्वेत शिष्य, श्वेताश्च तथा श्वेत लोहित नामक उनके बहुत ही चार प्रसिद्ध बड़े शिष्य हुए। वो सभी आश्रम धर्म को जानने वाले थे, योग करने वाले थे और कभी पाप नहीं करते थे। शिव जी ने उन्हें योग की क्रियाएँ सिखाई और उनके द्वारा पूरे संसार में योग को प्रसिद्ध किया। उसके बाद उन्होंने संसारी दूसरे लोगों के लिए बहुत ही कोशिश की। उसके बाद बाकी लोगों ने भी इस प्रकार योग को अपनाना शुरू किया, वेद पुराण के मत को स्वीकारना शुरू किया, क्योंकि अब उन्हें ये सब कुछ वो बहुत ही सरलता से सिखा रहे थे। जिस प्रकार शिव जी ने श्वेत रूप धारण करके व्यास रूप होकर ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्नता प्रदान करी, उसी ऐसे ही दूसरे सत्य नामक द्वापर युग और सारे 28 युगों में विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्रदेव ने और उनके सारे शिष्यों ने व्यास जी का अवतार लिया और समय समय पर वेद के भाग किए।
उसके बाद उन्होंने पुराणों की भी रचना की और इसी प्रकार भलीभांति ये कार्य चलता आ रहा था। द्वापर युग में तो वो अवतरित हुए थे, लेकिन कलयुग में सबके मार्ग नष्ट हो गए हैं, अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए वेद पुराणों का आचार प्यार प्रसार बहुत कम हो गया है। और अब देखिए, अब तो लोग उसे पढ़ना और सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने धर्म की ओर वापस आए और उससे जुड़ी हुई सारी बातें लोगों के बीच में फैलाएं और लोगों को अवगत कराएं कि जो आजकल आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो वो सब तो हमें यहाँ पहले से ही अपने वेद पुराणों में मिला हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारी आज की अध्याय यहाँ पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आपको आज का अध्याय ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आप कितने दिनों से शिव पुराण को फॉलो करने वाले हो। और अब तो सावन के अंतिम 8 दिन बचे हैं, तो इसलिए पूरे जोश में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम आपको मिलते हैं कल अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव।